सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्ड वर्किंग से कहीं अधिक स्मार्ट वर्किंग की आवश्यकता होती है। यह कहना था ब्रेन मास्टर्स क्लासेस के डॉक्टर पंकज गुप्ता का। 2 जुलाई को घोषित एम्स 2013 के परीक्षा परिणाम में ब्रेन मास्टर्स के आकाश फौजदार ने सामान्य वर्ग में 58वीं रैंक हासिल कर ब्रेन मास्टर्स तथा संपूर्ण मालवा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। शहर के अग्रणीय शिक्षण संस्थान ब्रेन मास्टर्स क्लासेस के छात्रों ने एम्स 2013 की प्रवेश परीक्षाओं में बाजी मारी। 2 जुलाई 2013 को घोषित एम्स 2013 के परिणाम में ब्रेन मास्टर्स के आकाश फौजदार ने सामान्य वर्ग में 58वीं रैंक हासिल कर ब्रेन मास्टर्स तथा समूचे मालवांचल का नाम गौरवान्वित किया है। परिणाम घोषित होने के बाद ब्रेन मास्टर्स के 255वीं रैंक प्राप्त किए शुभम अग्रवाल ने रेड 9 को बताया। और मैं बीएमसी स्टूडेंट हूँ एंड 2 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम ज्वाइन किया था मैंने। और मैं मेरी सफलता श्रेय बीएमसी की फैकल्टीज प्राइमरली मेरे फादर मदर एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स जिनके आशीर्वाद की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और एम्स में मेरी 255 रैंक थी। तो आपका क्या लक्ष्य? मेरा भी एमबीबीएस करके अच्छा डॉक्टर बनना और उसके बाद या तो यूपीएससी सिविल सर्विस या उसके बाद केवल पीजी इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। यहीं पर 58वीं रैंक प्राप्त करने वाले आकाश फौजदार ने अपनी सफलता का श्रेय ब्रेन मास्टर्स क्लासेस को देते हुए बताया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 906 थी। इसका श्रेय किसको देते हैं और कैसे आपने तैयारी की थी? सभी यहाँ की फैकल्टीज पेरेंट्स और फ्रेंड्स रिलेटिव सबके सपोर्ट से ये हो पाया। सब लोगों का बहुत सपोर्ट था और तैयारी के लिए तो यहाँ पे जो बताते हैं उस हिसाब से पढ़ते गया, उस हिसाब से हो जाता। कितने घंटे आपको रोजाना पढ़ाई करनी पड़ती है? कोचिंग के अलावा मैं रोज 4-5 घंटे पढ़ाई करता था घर पे। अब क्या लक्ष्य है आपका? अभी तो एमबीबीएस करना है, फिर उसके बाद सोचेंगे। ब्रेन मास्टर्स के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने क्लासेस की उपलब्धियां बताते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग की आवश्यकता होती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमारे विद्यार्थियों ने इसके पहले जो रिजल्ट घोषित हुए नीट के एग्जाम में भी ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इनमें से मैं पलाश अग्रवाल के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो जिपमर की एग्जाम होती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक ही मेडिकल कॉलेज है, उसमें ओनली 56 सीट हैं जो ऑल ओवर इंडिया पे बच्चे फाइट करते हैं। उनमें से 27 रैंक पलाश अग्रवाल ने लगाई है और वो इंदौर का एकमात्र चयन है। इसके अलावा पलाश अग्रवाल और आकाश फौजदार ये दोनों ने एएफएमसी के लिए भी क्वालिफाई किया है। तो लगातार मेडिकल की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सारी एग्जाम में बहुत अच्छे सबसे अधिक और सबसे टॉपर रैंक का जो रिकॉर्ड है ब्रेन मास्टर ने बनाए रखा है और वो सिर्फ एम्स के रिजल्ट से ही हम प्रूव कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि ये पिछले वर्ष भी 3 विद्यार्थी चयनित हुए थे, उनमें से 2 विद्यार्थियों को दिल्ली एम्स मिला था और तीसरा रायपुर से एम्स से एमबीबीएस करी है।